हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवित्रा किचन में। मैं हूँ पवित्रा। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आम का हलवा, बहुत ही सॉफ्ट, जो आप मुंह में रखेंगे तो बिल्कुल खुल जाएगा मुंह में। जैसे कि कड़ा प्रसाद बनता है, उसी तरह से मैं बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी होगा और शुगर भी इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है आम का हलवा। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पवित्रा नागुरकर। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आम का। कढ़ाई रख दिया है, गैस पर एक बड़ा चम्मच घी, करीबन ये 2 टीस्पून घी आप कह सकते हैं। ठीक हो, तो देखिए घी पिघल चुका है अच्छे से। इसमें मैं डालूंगी सूजी यानी रवा, 100 ग्राम जितना सूजी है ये, बारीक सूजी जो बॉम्बे रवा कहते हैं ना, उपमा बनाने वाला वही है ये। अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल गुलाबी या फिर गोल्डन कलर कहते हैं ना, उस तरह कलर आने तक हमें इसे रोस्ट करना है। बिल्कुल आप मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से रोस्ट कीजिएगा। तो मैं रोस्ट कर लेती हूँ, करीबन इसे रोस्ट होने में 2-3 मिनट तो लगेंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमें इसका कच्चापन जो है पूरा निकाल देना है, इसे अच्छे से रोस्ट करना है। इधर सूजी रोस्ट हो रहा है तो यहाँ पर मैंने दूध रखा है, करीबन 100 ml दूध लिया है मैंने इसे इसमें डालने के लिए। तो दूध को गर्म कर लेंगे थोड़ा सा, यानी सूजी रोस्ट होते ही अच्छे से रोस्ट होगा ना, हम दूध डालेंगे सूजी में। तो दूध गर्म हो रहा है तो इसमें मैं केसर के धागे डालूंगी, कुछ 7-8 केसर के धागे हैं ये। तो थोड़ा सा कलर आए इसलिए मैं केसर के धागे डाल रही हूँ, वैसे तो इसमें कलर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंगो का कलर अपने आप ही अच्छे से आएगा। तो हल्का गुलाबी रंग कहते हैं या फिर गोल्डन कलर कहते हैं, उस तरह पूरा रोस्ट हो चुका है। तो अब हम डालेंगे इसमें, उबाल लिया है और दूध गर्म है और केसर ने भी अपना कलर छोड़ चुका है अच्छे से। तो अब हम दूध डालेंगे इसमें, और इसे अच्छे से पूरी पूरा अब्सॉर्ब करते ही हम इसमें डालेंगे मैंगो की प्यूरी। मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना मैंगो प्यूरी लिया है। मैंने करीबन 300 ग्राम का एक बड़ा सा मैंगो लिया है, उसे अच्छे से प्यूरी बना लिया है मिक्सी में ग्राइंड करके, देख सकते हैं आप। तो देखिए ये बिल्कुल थिक है, मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। एक बड़ा साइज का मैंगो अच्छे से पका हुआ मीठा आम ही लीजिएगा आप, तो उसका छिलका वगैरह हटाकर जो गूदा होता है उसे मिक्सी में ग्राइंड कीजिएगा, तो इस तरह की प्यूरी बन जाएगी। तो ये देखिए सूजी जो है अच्छे से अब्सॉर्ब कर चुकी है दूध को। अब हम डालेंगे इसमें मैंगो प्यूरी, तो डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंगो की कलर कितना येलो कलर है, इसमें कुछ कलर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने काट के रखा था, एक छोटे से मैंगो का स्लाइसेस मैंने काट लिया था, इसे अभी हम डालेंगे। ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इस कटोरी भरकर आप डाल सकते हैं, बहुत मीठा पसंद है जिन लोगों को, वरना तो आप थोड़ा सा शुगर यानी ये करीबन 3 टीस्पून जितना शुगर है इतना मैं डाल दूंगी। क्योंकि मैं जो ये हलवा है पूरा इस तरह से कढ़ाई छोड़ना चाहिए, तब तक हमें इसे भूनेंगे। हलवा बना रहे हैं तो घी तो लगेगी ही, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो ना डाले घी, पर रोज रोज थोड़े ना खाते हैं हम लोग हलवा, तो इसीलिए डालिएगा। करीबन मैंने 2 टीस्पून घी डाला है इसमें, अच्छे से घी डालिएगा। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये हलवा, आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, जैसे आप मुँह में रखेंगे ना पूरा पिघल जाएगा। ये देखिए कितना जूसी लग रहा है ये हलवा देखने में, तो जो कड़ा प्रसाद होता है ना उसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट बना है। देखिए आती हूँ निकाल कर, ये देखिए कितना जूसी लग रहा है, आप देखिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये रेसिपी आम का हलवा? बहुत इजी है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने किस तरह से बनाया ये हलवा।
के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।